चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। हम पे क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स और यहाँ पे डी एक्स है। ये थीटा फॉर्म में भी था पहले, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा। अब कॉट को टेन बना देते थे, ऐसे कर लेते थे, वैसे भी कर सकते हैं और काफ़ी और चीज़ें भी हो सकती हैं इसमें, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कर कुछ भी सकते हो इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एक मेथड आप ये लगा लेना, इसमें दोनों मेथड से हो जाएगा ये। देखो एक मेथड मैं अकेला छोड़ूंगा क्योंकि वो पहले करा है। कौन सा? कि आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू करना, ये रूट टेन एक्स रहने देना, कॉट एक्स नीचे जाके बनेगा टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स आ जाएगा और यहाँ डी एक्स आ जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है जीरो से पाई बाई टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स आ जाएगा टेन एक्स प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, अब आपको पता है टेन एक्स को टी स्क्वायर ले लेना है। टेन एक्स को क्या ले लेना है? टी स्क्वायर। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना सही नहीं होगा ना, आप एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर लेना। हाँ, ये इंट्यूशन से आ जाएगा, एक्स का वन होगा या आप ऐसे मान लो एक्स का डी एक्स होगा, है ना, वहाँ डी टी लगा लेंगे। टेन इनवर्स टी स्क्वायर का होगा वन अपन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर फोर, टी स्क्वायर का होगा टू टी और फिर टी का होगा डी टी, नीचे डी एक्स आएगा वो इधर जाएगा। अब ऐसे अगर आप कर लोगे तो देखिए आप पे क्या बना, लिमिट भी तो चेंज होगी, आप लिमिट अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, एक्स की जगह जीरो डालना तो टी स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एक्स की जगह पाई बाई टू आ जाएगा, टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है तो जीरो से इन्फिनिटी आप लिमिट लगा लेना। टेन एक्स आपका कितना है? टी स्क्वायर है, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाला देखिए और रूट टेन एक्स है क्योंकि टेन एक्स टी स्क्वायर है तो रूट टेन एक्स होगा टी। और फिर आप पे कितना है? डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू कितनी है? टू टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर और यहाँ पे कितना है? डी टी। इससे ये काटना, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर है। आपको पता है ऊपर नीचे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? छोटी पावर से, टी स्क्वायर से। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे हमें 2ab वाली टर्म ढूंढनी होती है नीचे, उसी से प्लस उसी से माइनस करना है। एक मेथड तो ये है, आंसर इससे भी वही आएगा जो अब दूसरे मेथड से आने वाला है। ये बहुत बार प्रैक्टिस करी हमने छोटी पावर बाई बड़ी पावर। तो अब देखें इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा साहब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इनको खोल दें। मैथड टू है ये, मैथड नंबर टू, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू है, टेन एक्स को खोलेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स आएगा तो रूट के साथ आएगा रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, कॉट एक्स को खोलेंगे तो रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स आएगा और यहाँ पे डी एक्स ये है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, देखिए एलसीएम आएगा, दोनों अलग अलग हैं, रूट कॉस एक्स और रूट साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, रूट साइन एक्स बनाएगा, रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो साइन एक्स बचेगा। सेम यहाँ पे भी रूट कॉस एक्स बनेगा, रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉस एक्स आएगा। अब क्या कर सकते हैं, इनके रूट एक कर लो, रूट साइन एक्स कॉस एक्स बना लो। आपको पता है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का होगा कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहीं मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना पड़ेगा नीचे, बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन सकता है। प्लस वन माइनस वन कर लेंगे नीचे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे बनाएं? और टू भी लाना है रूट के अंदर, एक काम करते हैं इसी में मैं रूट टू की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट टू से डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसे रूट टू से मल्टीप्लाई कर लिया, रूट टू से डिवाइड कर लिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? बाहर वाला रूट टू तो ऐसे ही रहा, इधर देखो ये जीरो से पाई बाई टू है, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी एक्स लगाना ना भूलिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साथ में यहाँ कौन है? डी एक्स है। अपॉन में देखिए क्या है, होल रूट में कितना आ गया? टू साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, आप एक काम करिए प्लस वन माइनस वन कर लीजिए यहाँ, जब ये आ जाएगा ना तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस वन और माइनस वन कर लेना।
ठीक है, प्लस वन और माइनस वन कर लेना। अब मैं चाहूँगा कि जब आप प्लस वन माइनस वन कर लेंगे तो आई इज़ इक्वल टू, क्योंकि ऊपर ये माइनस का ही डिफरेंशिएशन आएगा, तो आई इज़ इक्वल टू रूट टू तो है यहाँ पे, 0 से पाई बाई टू भी है, फिर आप पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी है, फिर आप पे डी एक्स भी है, और फिर यह है, फिर रूट है, एंड फिर इसके बाद देखिए ये प्लस वन वाले को ऐसे रहने दो, इनसे आप इससे और इससे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला देखो, ये वाला प्लस तो ऐसे ही है, इस वाले माइनस वाले से इससे और इससे माइनस कॉमन ले लेना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये ऐसे है ना, माइनस वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स है ये, मैं चाहता हूँ आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस जैसे कॉमन लोगे ये वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी और ये वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी। अब जैसे ही होगी तो आपकी बात बन जाएगी, कैसे देखो मैं सारे मेथड बता रहा हूँ, आपको फंसना नहीं है कहीं, बस इंटीग्रेशन में फंस गए तो पेपर बर्बाद जाता है आधे घंटे में, कोशिश करा करो इंटीग्रेशन के सबसे आखिरी में करने के। आई इज़ इक्वल टू रूट टू, आप मानोगे कहाँ, 0 से पाई बाई टू, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना है डी एक्स है, अपॉन में रूट लगाया, और देखिए क्या है, वन है माइनस है, ये वन है इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस वन को, और ये चल रहा है माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये है ठीक है। जब हम ये कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देना, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस अब तो बात बनी गई है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी ले लो, तो हमने पुट करा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कितना टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होगा डिफरेंशिएशन, टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ और डी टी यहाँ, ऊपर वाला हट जाएगा, पुट कर रहे हैं तो लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी, तो देखो न्यू लिमिट्स क्या आ जाएगी टी की, एक्स की जगह जीरो डालोगे साइन जीरो कितना होगा जीरो, कॉस जीरो होगा वन, तो माइनस वन आ जाएगा, पाई बाई टू डालोगे तो साइन 91 होगा कॉस 90 होगा, तो माइनस वन से प्लस वन की तरफ जाना पड़ेगा ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी रूट टू, हम जाएंगे माइनस वन से कहाँ प्लस वन की तरफ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बन गया आपका डी टी, अपॉन वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी था तो ये टी का स्क्वायर। अब आपको पता है इसका क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, तो रूट टू तो चल ही रहा है, आपने लिखा साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है टी है, ए कितना है वन है, लिमिट चल रही है माइनस वन से वन, डाल देना साइन इनवर्स ऑफ वन पाई बाई टू, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन कितना होगा माइनस पाई बाई टू, बट एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगा, टू पाई बाई टू टू से टू का कैंसिल होगा, अंदर से पाई आएगा बाहर रूट है, तो रूट टू पाई इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन वाले करने थे, अब मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो भी आप निपटा दो साथ साथ ही ठीक है। चलिए देखिए क्या है, होमवर्क है आपके, आप कर लेना एक ही, पहला इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2 एक्स डी एक्स, सिर्फ इसमें ई की पावर एक्स को टी ले लेना, तो आपका टेन इनवर्स वाली फॉर्म बन जाएगी। देन उसके बाद है आप पे दूसरा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6 कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 4 साइन एक्स, और यहाँ पे है डी एक्स। नेक्स्ट उसके बाद है तीसरी इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ग्रुप में पढ़ो तो ग्रुप में बढ़िया होता है, ऐसे आप फिर आप मुझे परेशान ना करोगे कि इनके आंसर बताओ। चौथा है 1 अपॉन ई से ई डी एक्स
अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर 1/3। पांचवा है आप पे 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1+cos x, और यहाँ पे डी एक्स है। सिक्स्थ वन इज इंटीग्रेशन 0 से π/2 √sin x cos 5x। 5 को 3 और 2 में तोड़ना, ठीक है, तो बात बन जाएगी इसमें। सातवा 0 से π/2 sin x cos x अपॉन 1+sin की पावर 4x, और यहाँ पे डी एक्स। आठवा है 0 से 1 sin inverse 2x अपॉन 1+x² और यहाँ डी एक्स। तो आपको पता है इसमें 2 tan theta अपॉन 1+sin² theta रखना है, तो x की जगह 10 theta डाल देना, बात बन जाएगी, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन तो ये रहे। नाइन्थ क्वेश्चन देखें क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है 0 से π/2 dx अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x। देखिए हैं दसवा, देखिए टेंथ क्या है। टेंथ आप पे है कि 0 से π dx अपॉन 6 cos x, एक एक कर लेना। इलेवेंथ है 0 से π dx अपॉन 3+2sin x+cos x। यहाँ पे वही वाली फॉर्म रखनी पड़ेगी, cos x की 1 - tan² x/2 1+tan² x/2 और sin x की 2 tan x/2 अपॉन 1+tan² x/2, ये रखना पड़ेगा आपको। ट्वेल्थ देखिए, ट्वेल्थ क्या है। ट्वेल्थ है 0 से π/4 tan³x अपॉन 1+cos²x और यहाँ पे dx। काफ़ी आसान है, ठीक है, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट देखो, 13 है इंटीग्रेशन π/6 से π/2 cosec x cot x अपॉन 1+cosec²x और यहाँ पे है dx। एक एक कर लेना, पता है ना कैसे करोगे। सर वी कैन फाइंड अ वे, वी विल फाइंड अ वे, कैन नहीं, विल करना ही पड़ेगा आपको। 1 से 2 dx अपॉन x और ये है 1+log x² log x को t ले लेना, dx/x dt हो जाएगा, तो ये तो आसानी से बन गया ना 1+t² तो ऐसे ये आपको करने हैं। नेक्स्ट देखें, 15 है इंटीग्रेशन 0 से π/2 x² sin x³ dx। साइन x³ को आप t ले लेना, 3x² dx आपका dt बन जाएगा, x² dx आपका dt/3 बन जाएगा, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। सोलवा देखिए, π/4 से π/2 cos θ अपन cos θ/2 प्लस sin θ/2³। तो यहाँ पे वही लगाना, cos θ को cos²θ/2 -sin²θ/2, ये वाला आपको कराए भी है। फिर है 2 से 3 2 - x अपन √5x - 6 - x² और यहाँ पे है dx। ये भी कितना आसान है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 18, 0 से π/2 √tan x प्लस √cot x और यहाँ पे आपका चलेगा dx। 19 है 1 से 2 dx अपॉन x+1 √x²-1। 20 है 0 से 1 1 - x² अपॉन 1+x² / 2 यहाँ है dx, ठीक है। 20 ये है
नेक्स्ट 21 है। जीरो से पाई बाई टू साइन 2x अपन साइन 4x प्लस कॉस 4x और यहाँ पे डी एक्स 22 है। जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 ये कर लेना। 23 है। पाई बाई थ्री से पाई बाई टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की पावर 5। फालतू में लिख रहे हो सर, हम लोगों ने तो करना ही नहीं है ये, आप सॉल्व करा दो वही बहुत है हम लोगों के लिए। ऐसा है क्या? चलो नेक्स्ट देखो 24। 07 कॉस इनवर्ट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आप यहाँ कॉस इनवर्ट एक्स को टी ले लेना, एक्स की जगह कॉस एक्स कॉस टी ले लेना तो बात बन जाएगी। फिफ्थ है 0 से ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे साइन और कॉस लेके काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको टेन या कॉट लेना पड़ेगा, 1 प्लस टेन थीटा ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 0 से 1 साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा कि आपको साइन इनवर्स रूट एक्स को कुछ लेना पड़ेगा, तब बात आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, ये कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आप पे। अब फिर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा कल, फिर ये ख़त्म कर देंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। 27 एक से लेकर दो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें तो दोनों लीनियर पावर है, तो आप क्या करना, दोनों क्वाड्रेटिक पावर है, लॉन्ग डिवीजन लगा लेना। ठीक है, फिर है 0 से पाई बाई टू 2 टेन क्यूब एक्स डी एक्स। टेन क्यूब एक्स को तोड़ना टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स में, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर के टर्म में लिख लेना। ठीक है, 0 से सॉरी 1 से ई ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ है डी एक्स। ये कितना आसान है, ई के पावर एक्स फंक्शन वही है, उसका डिफरेंशिएशन भी वही है, आप अलग अलग करोगे 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बचेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, सीधा इसका आंसर आ गया ई के पावर एक्स फंक्शन ई के पावर एक्स लॉग एक्स। लिमिट लगा देना अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, ये सारे वही देखो रिकॉल हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट है 0 से ई स्क्वायर 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ डी एक्स। तो यहाँ पे log x को पहले क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा, x को e की पावर t लेना पड़ेगा तब बनेगा ये, x को e की पावर t। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 0 से 1 x e x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये सारे आपने करे हुए हैं बिना लिमिट के साथ, x को लिखना पड़ेगा x प्लस 1 माइनस 1, फिर अलग करेंगे x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप पे बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन x प्लस 1 फंक्शन है और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन है, तो सीधा आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू फंक्शन मतलब e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सीधा उसमें लिमिट लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ओरली करे करो ऐसे क्वेश्चन को। 32 1 से 2 log x डी एक्स। लॉग एक्स में बात नहीं बनेगी, लॉग एक्स को टी लेना पड़ेगा, एक्स को ई की पावर टी लेना पड़ेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर टी डी टी आ जाएगा, तो आप टी ई की पावर टी आ जाएगा, उसमें पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन करना, पहला फंक्शन टी हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ई की पावर टी हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन लगाना, बात बन जाएगी। 33 एक से लेकर 3 log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 34 0 से पाई बाई 4 साइन 2x साइन 3x और डी एक्स है। तो यहाँ पे वही लगाना, 2 साइन ए साइन बी क्या होते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी,
आपको लगा देना, बात बन जाएगी। नेक्स्ट है 35, 0 1 से लेकर 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। तो ले लेना a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1, वहाँ से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 1 से लेकर 2 डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। x को एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, तो x को कोफिशेंट 4 है, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 माइनस 4 करना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, तो x प्लस 2 का होली स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपको पता है रूट में क्या होता है, जल्दी बताओ, लॉग x प्लस अंडर रूट जो भी है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, यहीं पर ख़त्म करते हैं, और डेफिनेट कि अब प्रॉपर्टीज़ वाले करेंगे नेक्स्ट उससे। थैंक यू।